हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है अंडा करी। ये देखिए, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ अंडे। यहाँ देखिए, हमने 8 अंडे लिए हैं। इनको हमने उबाल लेना है, बॉईल कर लेना है इसको। ये देखिए, हमने बॉईल कर लिए हैं, इसके छिलके भी निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने एक बर्तन लिया है, उसमें हमने कर लिया है तेल। तेल को गरम करेंगे और इसमें ना इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। और फ्राई करने से पहले फ्रेंड्स, आप अंडों को थोड़ा फोक से इस पर थोड़ा छेद करें, ताकि जब आप इसको क्या कहते हैं फ्राई करें, तो ये फटे नहीं और आपको कुछ नुकसान ना हो इससे। ये कई बार ऐसा हो जाता है, तो आप इसको हल्का सा फोक से इस पर हल्के हल्के छोटे छोटे छेद कर लें। देखिए, हमने भी किए हैं, पर मैं दिखाना भूल गई थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, हम सारे अंडों को इस तरीके से हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। यहाँ फ्रेंड्स, हमने लिया है मसाला। यहाँ हमने 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च ली हुई है। और यहाँ ऐसे इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है एक कटोरी में। ये देखिए, हमने कर लिया है इसको अच्छे से मिक्स। चलिए मैं एक बार आपको अंडे दिखा देती हूँ किस तरीके से फ्राई हुए हैं। ये देखिए, इस तरीके से सारे अंडों को हमने कर लिया है फ्राई। फ्रेंड्स, ये दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ हमने लिए एक बड़ी प्याज, यहाँ लिए हमने लहसुन की कलियाँ, काफ़ी सारी लिए हैं हमने, आप भी ले लीजिएगा। यहाँ लिया है हमने हरा धनिया। फ्रेंड्स, ये जो मसाला था, इसमें हमने थोड़ा पानी मिला के इसको चला देंगे थोड़ा। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा गार्लिक था उसको हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से लहसुन को भुनेंगे। इस तरीके से हम लहसुन को भून लेंगे। यहाँ हम डाल देंगे प्याज और प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे। इस मसाले को हमने लाइट ब्राउन कर लेना है अच्छे से, तो इसको लगेंगे 2 मिनट, 2 से 2.5 मिनट, 3 मिनट आप दीजिएगा इसको, होने दीजिएगा इसको अच्छे से। इस तरीके से ये देखिए, मसाला हो गया हमारा तैयार। अब इसमें डाल दिया हमने जो मसाला, जिसमें पानी मिला के रखा था उसको हमने डाल देना है इसमें भुने हुए प्याज में। इस तरीके से इसको चलाते रहें, मसाले को पकने दें करीबन 2 मिनट तक। जैसे ही मसाला पानी तेल छोड़ने लग जाए, समझ जाइएगा कि मसाला बन चुका है। देखिए, थोड़ा सा हम पानी लेंगे, उसी आप बर्तन में पानी कर लें जिसमें मसाला लिया था आपने, और इसी पानी को आपने इसमें डालना है। देखिए, मसाला हमारा पक चुका है, तेल छोड़ दिया मसाले ने, इसी में हमने ये 1 कटोरी पानी डाल दिया है। ये देखिए, थोड़ा पानी हम और ऐड करेंगे, आप भी अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से डाल लीजिएगा। और यहाँ पे हम कर देंगे अंडों को ऐड कर देंगे, इसमें डाल लेंगे अंडे सारे आराम आराम से। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सब्ज़ी ऑलमोस्ट हो गई है रेडी। यहाँ हमने 2 कटोरी पानी और डाल दिया था और इसको चलने दिया करीबन 10 मिनट बस। उसके बाद हमने इसको बंद कर दिया था। हमने यहाँ पर डाल दिया अब हरा धनिया। हरे धनिया से इसको सर्व करेंगे, काफ़ी अच्छा लगता है। हरे धनिया का जो स्वाद है और उसकी खुशबू है, वो किसी भी सब्ज़ी को काफ़ी जानदार बना देती है और शानदार बना देती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी अंडा करी हो गई है रेडी। और देखिए कितनी इजीली हमने इसको बना लिया है, बहुत कम टाइम में हम इसको बनाया है। तो ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, ये अंडा करी काफ़ी अच्छी थी, बहुत चटपटी थी, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।